कल हमने किया था चेक का तारुफ, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे उसकी वर्कशीट अभी तक सेंड नहीं की है, तो काइंडली मुझे वो वाली भी वर्कशीट आज आपने सेंड करनी है, और ये हे वाली भी करनी है। अब हमने आज जो करनी है वो हमने करा सफ़र नंबर 3 पे आपकी ये हे की वर्कशीट है। सबसे पहले जैसे हमने पहली वाली तस्वीर में किया था, उसी तरह हम उस तस्वीर में रंग भरेंगे जिसकी शुरू की आवाज़ हे होगी। सबसे पहले आप इस तरफ देखिए, ये है शेर, तो शेर की जो पहली आवाज़ है वो है श, तो हम इसमें रंग नहीं भरेंगे क्योंकि हे की आवाज़ ह होती है। इस जगह पर हमारे पास है हौज, हौज की जो पहली आवाज़ है वो होती है ह, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम हौज में रंग भरेंगे। और हौज में यहाँ पे आपने ये जो पानी बना हुआ है इसमें आपने नीला रंग ही भरना है, ये जो सब्जा बना हुआ है इसके इर्द गिर्द इसमें आपने सब्ज रंग ही भरना है। इसको अच्छा सा आपने रंग भर के मुझे इसकी तस्वीर भेजनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पहले इसको लिखना है हे को, हे को पहले आपने नुकात पे लिखना है और फिर आपने इसको खुद से लिखने की कोशिश करनी है। मैं आपको सब बताती हूँ हे को लिखते कैसे हैं। जैसे हमने जीम लिखा था, चे लिखा था, बिल्कुल वैसे ही हम हे भी लिखते हैं। पहले हम एक लाइन ऐसे बनाएंगे, फिर सीधी, और फिर इसको यहाँ से हम गोल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमने ध्यान रखना है कि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो लकीर से नीचे आए और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर ही रहना चाहिए। ये है हे। हे की खसूसियत ये है कि हे में कोई भी नुक्ता नहीं आता। जैसे हम हमारे पास जीम में एक नुक्ता था, चे में 3 नुक्ते थे, लेकिन हे में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नुक्ता नहीं आता। हे की जो पहली आवाज़ है वो होती है ह, हे ह हलवाई, हे ह हुका, हे ह हौज, हे ह हलवा। मेरे साथ दोबारा पढ़िए, हे ह हलवाई, हे ह हुका, हे ह हौज, हे हा हलवा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये लेसन समझ आ गया होगा। मुझे वर्कशीट सेंड कीजिए।